वैसा जरूरी नहीं था ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। कितना 100 डी है ब्रदर? कितना 100 डी है कैमरा आपका? Hello, I'm Shreya Sahai and these are the members of my group, and today we are making collage on Earth Day. Basically our motive is to aware people about to save Earth, and we are awareing people to save water, because water is a necessity of life. Without water life is not possible. We should save water. Global warming. Today people are using refrigerator and many appliances which are making hole on Earth's atmosphere, and this heats up our Earth and life has become miserable. So that's why we are making collage to make people aware and live a healthy life. So मैं एक happy representation करना चाहती हूँ Earth Day आज और celebrating Earth Day, क्योंकि as she said कि किसी और planet पे life possible नहीं है, क्योंकि Earth पे life possible है, तो creation humans Earth पे है, तो creations भी सिर्फ Earth पे ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ natural नहीं है, हमारे पास man-made resources भी हैं, और उसकी वजह से हमने rockets बनाए, हमने ships बनाए, हम plants, deforestation, हम conservation भी कर सकते हैं और हम development भी कर सकते हैं. Good afternoon to all of you. My name is Megha Postol and I am from B Farm 30. Today is my presentation, the poster topic is World Earth Day, which is represented totally. Go green to save Earth. Hands, which is holding an Earth. Protecting the Earth is the responsibility and duty of people who live on the Earth. Only by protecting an Earth, तो हर जो डे होता है, जैसे आज ही अर्थ डे नहीं, हर डे जो होना चाहिए हमारे लिए अर्थ होना चाहिए. जैसे इसमें दिखा रखा है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द अर्थ, सेव वाटर, ताकि हमारा जो ग्लेशियर वगैरह होता है इससे कितना डिप्लीशन होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डे बाय डे जो होता है ग्लेशियर्स के खराब होने की वजह से जो लोग होते हैं पानी का जो वेस्ट होता है वो भी होता है, इसीलिए हम लोगों को वाटर भी सेव करना चाहिए. डीफॉरेस्टेशन जो मेन है, और सर यही है मेरा टॉपिक. और जैसे अर्थ डे है, हम लोगों को पता है कि अर्थ डे जो था वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे गैलॉर्ड नेल्सन थे जिन्होंने हमारा ये दिया था, वो एक US पॉलिटिशियन थे बेसिकली और फॉर्मर कन्वर्शनिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था 1970 में, और 170 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट भी किया था कि ताकि जो उसमें ऑयल एक्सपेंशन हुआ था जिससे अर्थ को अफेक्ट हुआ था, इसीलिए हमारा वर्ल्ड अर्थ डे बेसिकली मनाया जाता है. तो मेरा पोस्टर बस लाइफ मोर पॉसिबल है, और इसी पे वो बहुत सारे वो नेचुरल थिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो सब इसी पे वो पॉसिबल है. तो मतलब हम लोग जब अर्थ पे आए हैं, हम लोग जब अर्थ पे हैं, तो हम लोग को अर्थ की जो चीज़ है, जो हम लोग को अर्थ के जो वो नेचुरल चीज़ है उनको एक्सेप्ट करना है, उनको सेव करके रखना है, ताकि वो फ्यूचर वो जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उनको हेल्प करेंगे. तो सर वो मतलब आज का जो मेरा थीम है वो है कि आप लोग धरती पर बोझ ना बनो.
आपके ख्याल से इको सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सर बेसिकली मतलब सर जो हम लोग सिंथेटिक चीज़ जो बना रहे हैं वो जैसे कि पॉलीथीन हो गया और भी सर मतलब वो CFC जो गैस हो गई सर, इन सबको मतलब वो हटाना चाहिए। और सर जो अभी सर जो है जो पहले AC में और जो फ्रिज में जो वो CFC वो यूज़ होती थी सर, अब वो हट करके वो ना फ्यूरिन से चेंज हो गई है, जो कि हम लोग के ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रही है। वो जितना CFC हार्म करते थे वो उतना हार्म नहीं कर रही है। सो आजकल यंग जनरेशन के लिए प्रैक्टिकली अप्लीकेबल है, ये कर सकते हैं? यस सर, हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं, बट सर कुछ जो है सर मतलब कुछ जो लोग हैं सर वो इस चीज़ को वो नहीं कर रहे हैं मतलब। गांव में चर्च की मतलब लगाए जाते हैं अधिक, ठीक है ठीक है, यहाँ पर कम क्योंकि और बट हमें अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ के पेड़ होते हैं ना जमीन से नमी लेकर वो मतलब बाहर इन्वायरमेंट में बैठे हैं, यहाँ पर पेड़ नहीं मिलते हैं तो सर यहाँ पर बैठ नहीं मिलते। सेकेंड पिक्चर, सेकेंड पिक्चर यह है कि अगर कोई और ये कैंडल्स मैंने कैंडल की नहीं, ये बिल्डिंग्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं और वो हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। आप अर्थ का फेस भी देख सकते हैं, इतना हैप्पी नहीं है। तो ये हमारा दिखा रहा है कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। अर्थ डे पे हम अर्थ को दिया क्या है बेसिकली, हमने पोल्यूशन और उसके डिस्ट्रॉय हमने किया है। अगर अर्थ डे देखा जाए बेसिकली हमने ह्यूमंस ने सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो मेरा यही मैसेज है कि स्टॉप डूइंग दिस स्टफ। हमें प्लास्टिक कंजम्पशन कम करना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, क्योंकि अब हम इस स्टेज पे हैं ना, हम एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। हम इसके उपाय या फिर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए मेरा है कि स्टॉप डूइंग दिस स्टफ, स्टॉप हार्मिंग अर्थ। एंड अगर हमें मदर अर्थ को बचाना है तो हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। केक नहीं करना चाहिए इस टाइप का, हेल्दी केक करना चाहिए, बिकॉज़ ये दिस केक इज नॉट एन हेल्दी केक, इट्स क्रिएटिंग अ पोल्यूशन। डोंट कट द केक। आपके साथ कितने फ्रेंड्स आपके साथ करेंगे सर? मैं जितनों को मोटिवेट कर सकती हूँ, जो मैं ऐसी चीजों पे फोर्स नहीं चलता है, जो कॉजेस जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे अर्थ की कंडीशन खराब हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं सर, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? सब ठीक है, ये सब आप हो रहा है। सिर्फ हम प्लेज करते हैं, ओथ करते हैं कि हम प्लांट्स लगाएंगे और ज्यादा प्लांटिंग करेंगे, बट नोबडी टेक इट सीरियस। तो फर्स्ट वी नो, हमें ये देखने की जरूरत है कि इश्यूज आ क्या रहे हैं। अगर हम इश्यूज ही नहीं जानेंगे तो हम ओथ करते रह जाएंगे, प्लांट्स लगाते रह जाएंगे। और प्लांट्स में सिर्फ शो प्लांट्स नहीं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हम प्लांट कर सकते हैं। प्राइमरी बोन में मैंने ये बात बताया कि अर्थ की स्टार्टिंग कैसे हुई थी और अर्थ पर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी, और लास्ट के दोनों में मैंने ये बताया था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन उस पर कैसे ग्रो की और अल्टीमेटली हमने उसमें क्या किया उसके साथ। पहले रंग में मैंने ये बात बताई थी कि अर्थ जब फॉर्मेट हुआ था तो ये निब्यूला के थ्रू था, निब्यूला डस्ट क्रस्टर होते हैं जो कि हमारे स्टार्स के नष्ट होने से बनते हैं, तो इसके थ्रू हमारा अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इसी से हमारा सन भी बना था। अर्थ जब फॉर्मेट हुआ था तो उस पर आयरन जैसे सोर्सेस थे लेकिन वाटर जैसे सोर्सेस नहीं थे, इस कारण अर्थ लाइफ लाइक नहीं थी। तो अर्थ बिलियन ईयर्स तक स्ट्रगल करके लाइफ को अपने ऊपर
जनरेट किया था, जिसके लिए जैसे हमें बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि वाटर सोर्स अर्थ पे आए थे हमारे मेटियोराइट्स के थ्रू, क्योंकि वाटर जो है हमने एक प्रैक्टिकल किया था नासा ने, जिसमें उसने इस बात में कि पता लगाए थे कि मेटियोराइट्स में वाटर सोर्स है और उन्हीं के थ्रू अर्थ पे वाटर है, उन्हीं के थ्रू अर्थ पे गोल्डन गोल्ड भी आया था। अर्थ ने जब खुद को फॉर्मेट किया था तो उसमें आयरन सोर्स था जिसके थ्रू उसने एक लेयर बनाया जिससे उसने इस पर सन से आने वाली रेसेस से हमें बचाया, जिससे इस पर लाइफ की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि वाटर एक एसेंशियल सोर्स है लाइफ के लिए। और जब लाइफ स्टार्ट हुआ तो टाइम के साथ ह्यूमंस आया और सारी आए, तो सबसे पहले जो अर्थ पे था वो था हमारा आई से, जो कि ह्यूमन से सबसे अच्छे थे। तो मैं सर यही कह रहा था कि हमारी अर्थ खुद से अपने आप को चेंज कर रही है, क्योंकि वो आई से आज तक खुद से भी चेंज हुई है, उसने बर्फ को ख़त्म किया रहने लायक जमीन में, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन ने उसके रफ्तार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे अल्टीमेटली यही पता चलता है कि अगर इसी रफ्तार से ग्लोबलाइजेशन होता रहा तो अर्थ लास्ट में फिर से वैसे ही खत्म हो गई। हेलो सर, हेलो, आई एम श्रेया सहाय फ्रॉम बीसीए सेक्शन ई एंड दीस आर द मेंबर्स ऑफ माय ग्रुप सोहेब एंड शिवम सिंह। टुडे वी हैव मेड अ कोलाज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट अर्थ, हाउ टू सेव अर्थ एंड व्हाई टू सेव अर्थ एंड हाउ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन अर्थ रिसोर्सेज, सो वी हैव टू सेव दीस रिसोर्सेज टू लिव अ लाइफ। In year 1917, United States of America decided to celebrate Earth Day. From this, we celebrate Earth Day to save Earth. We motivate people to do some activities so that we can reduce global warming. To control global warming, we put many efforts so that our Earth, the glaciers are melting in our Earth from 18th centuries. The activities done by humans are making Earth too hot. As a result, many glaciers have melted till now. Our efforts make the Earth very warm. So, to control that, we have made a collage to motivate everyone and mention everyone to control our efforts and make our Earth green. We should plant more trees, drive less, and much more effort to make our Earth down. As we know, temperature is increasing too much this day. The temperature scale is putting up very high. To control this, we are doing some efforts and we can control it. ये मोटिव है कि हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, कि अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, और हम दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं पॉल्यूशन कम करने। और ये हम जूट बैग का यूज कर सकते हैं, हम प्लांट्स लगा सकते हैं, हम कैंपेन्स रन कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू हम वीडियोस बना सकते हैं, इमेजेस कर सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस उनके अंदर जनरेट हो सके। हम प्लास्टिक बैग्स का यूज हम कम कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम प्लास्टिक बैग्स का यूज कम कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्लोथिंग जो क्लोथ्स के बैग्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं, और ये सब चीजें हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, यानी पॉल्यूशन जो जितनी भी चीजें होती है उसे हम कम कर सकते हैं। थैंक यू। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर टू सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे इज कमेंडेड ईच ईयर ऑन अप्रैल 22। इट इज ईयरली ओकेजन सेलिब्रेटेड बाय इंडिविजुअल्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। The first time the World Earth Day was celebrated in the year 1970 and afterward began celebrating every year on global premise by right around 192 nations. On our Earth is the main planet known to mankind. It is important to keep up the normal resources of the Earth. April 22 has been set apart as On Earth Day to make the humans get mindful about the significance of their planet. Earth Day is figured to inaugurate more cognizance and friendship for the Earth's physical condition. Our Earth is the main planet to know for the humankind. To know a little more about this, we celebrate this day, Earth Day, on each year, April 22. Every year on this day, World Earth Day is observed to raise the awareness about environmental protection and to address the global climate problem. With each passing year, the climate worsens, and it is our responsibility
to assist in the conservation and preservation of the mother nature. The theme for this particular year, that is Earth Day 2022, is to invest in our planet. Our World Earth Day, here we present some of the points that we can consider. Earth Day is celebrated all over the world on 22nd of April every year. This day was established for the awareness of the environment and its safety. Earth Day was founded in 1970 by a person in America named as Gaylord Lenson. Lenson first told the people how much damage that happened to the environment is due to industrial development. For this, Nelson mobilized American society, protested, and did several mass movements. As a result of this movement, the government had to listen to the demands of these agitators. And by looking at many environmental friendly decisions taken by the government, and this issue was kept in United Nations to discuss this issue globally. More than 192 countries supported this issue in the United Nations. And everyone encouraged environmental protection in their respective countries. Environmental protection is very, very important topic. All the natural things present on Earth, like wind, water, trees, plants, and all of these together make our Earth. All these things together with each other balance the environment. It is our duty primarily to protect our environment. Nature has given us air, water, trees, plants, rivers, mountains, minerals present below the earth for our health. We can earn money through our hard work, but neither we can make natural things nor increase it. All these things given by nature are limited. So on Earth Day, people are made aware of the environment. On this day, people are cleaning their houses around and by the side of the road. Many people planted trees on the same day. In our entire solar system, if we talk about, Earth is the only planet that sustains life so far. Earth Day is celebrated to protect the Earth from all the man-made harms. Earth Day is celebrated worldwide on 22nd of April each year. The idea of celebrating Earth Day was suggested by McConnell, who is known as the peace activist, at the UNESCO conference in year 1969. Later, the International Earth Day was declared on 22nd April 1970. Various countries take oath in protecting the environment and various towards a sustainable future on this day. On 2016, Earth Day, the famous Paris Agreement was signed among countries like the United Kingdom, United States, China, and other 120 countries. Events like the 1969 Santa Barbara oil spill and many other events that end up polluting the environment were the main reasons behind promoting the idea of Earth Day to save our planet from getting destroyed. Protecting Mother Earth should be our foremost duty. If we don't protect our planet, then after some years, all the resources that we get from Earth will be exhausted. So while we still have time, we must take proper and effective measures to ensure that our future generations can too use these resources. To put this an end, so IIMT College of Management has organized collage making event wherein students have shown their creative sides in protecting the environment. By using those collage making ideas, they wanted to really make people aware of how we can contribute in terms of sending ideas or awareness that how we as an individual make difference in the whole society. As an individual, we can make huge impact on the environment. We can become ourselves as the change agents and catalyst for future change. We can replace plastic to the jute bags. We can avoid people and ourselves on throwing materials or wastages on roads. We can ask or prevent people to not waste the resources available in the environment. We can make sure that wherever the taps are open, we can save water, as we see that water scarcity is the main issue that the generation is going to face in the future. Also, we can make a difference in the society by having a proper waste management, putting the garbages in proper dustbins.
These all are the steps. I am not asking you to visit door, but yes, I am asking you to make difference in your own attitude or behavior so that that behavior influences others, and also asking them to bring that change from their inside out so that the real change, a humanity is built wherein we can think of bringing a real change in the people's mind wherein we are working for the environment. And I think for that, this was one of the initiatives that IIMT College of Management took towards organizing the collage making, and students have commendably shown their creative sides in detecting and preventing pollution through generating the awareness through their collage making ideas. So this was all. Thank you so very much.